अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि अभी रमज़ान भी आने वाला है इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है गर्मी भी यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे सर्दी का जो मौसम है ना, वो बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो गर्मियाँ आने वाली हैं, तो यहाँ पे बारबेक्यू सीज़न जो है वो अभी एंड होने वाला है। तो हमने कहा कि हम भी क्यों ना इसको एंड कर दें, लास्ट बारबेक्यू कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग करना चाह रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट कर रही थी। मैंने कहा कि डाइट थोड़ी सी अच्छी कर लूँ, ट्रैक पे आ जाऊँ, तो फिर उसके बाद ही कहीं करेंगे। लेकिन वही बात कि अभी रमज़ान आने वाला है, फिर गर्मी आ जाएगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो चलें जी, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं सबसे पहले हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे। और मेन्यू जो है वो इस दफ़ा हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल सा रखा है, इतना ज़्यादा नहीं रखा है। घर के पास ही यहाँ पे करेंगे एरिया जो है, तो इसलिए जो है वो सिंपल सा रखा है। वो तो चिकन जो है वो मैंने 4 पीसेस करवाए थे, फिर उसके बाद जो चेस्ट पीस होते हैं ना, उसके मैंने 2-2 पीस कर लिए थे। क्यों? क्योंकि वो बड़ा पीस होता है, तो वो फिर ना सही से गलता नहीं है, तो इसलिए जो है वो मैंने उसको छोटा करवा लिया था। अच्छा, इसके बीच में मैं ऐड करूँगी, सिरका ऐड कर लूँगी, और उसके बाद ये मैं नेशनल का टिक्का मसाला फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ये वाला, मतलब काफ़ी अर्से के बाद यूज़ कर रही हूँ, बहुत अर्से के बाद। तो हम लोगों ने अब मैं जो बारबेक्यू कर चुके हैं ना, जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, यार बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का। सही टिपिकल जो टिक्का होता है ना, आप लोग बाहर से बाज़ार से रेस्टोरेंट से खाते हो ना, बिल्कुल वैसा। तो बस ये मैंने बीच में सिरका ऐड किया है, और उसके बाद ये मसाला ऐड कर लिया। तो अभी मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं बनाया, तो सुबह मैं उसको ऐड करूँगी। उसके बाद हम लोगों का प्लान है जी, सीख कबाब का भी प्लान है। वो जो है कीमा आज हम लोग नहीं लेके आए हैं, नहीं मिला था, शॉप बंद हो गई थी वो वाली। तो कल जो है मेरे हस्बैंड ले आएंगे सुबह सुबह, उन्होंने कहीं जाना है, वो ले आएंगे, और फिर उसको जो है वो हम लोग मसाला बना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी हाँ, डिनर में क्या है? आज के मेन्यू में है चिकन टिक्का, ओके, एक अदद प्याज, एक अदद टमाटर, और मिर्चें जो कि नीचे हमने दबाई हुई। माशाल्लाह। ये ना अभी वो छुरी से कर लेते हैं, ताकि बैठ जाते हैं तो फिर बस। और मुझे बस कर है ना, कौन पिएगा इतनी यार, बॉयल होगी ना। यहाँ पे भी हम करते हैं, नहीं इनको बल्कि पूरी दिखा देते हैं। मिली
ऊपर ही मैंने रख दिए थे, उसके बीच में नहीं है बॉक्स में, ऊपर ही थे ना। नहीं इसमें नहीं है, वाइट वाले में क्या? वाइट वाले कॉफी लास्ट टाइम भी था ऐसा। ओपन हार्ट सर्जरी ये कर, अच्छा वो हो गया। हाँ बस ये वाला पीछे कर दो। हाँ बस बस ठीक। उससे ये तो थोड़ा हार्ड है जी। नहीं ये देखो थोड़ा सा हार्ड है ना। नहीं करो ना, मैं इसके साथ कर रही हूँ, वो उसमें लगाई थी मैंने। तो खाएंगे इसे तो ना? साफ कर लेना फिर उसको। किस में लगाई थी? सॉल्ट, सॉल्ट टेस्ट बहुत है। हाँ बहुत है। ओके ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर टू टेस्ट। और थोड़े से ये लो, एक सेकेंड ना, पाउडर वाली बस बहुत है। चीज़ जिस बंदे को पसंद है उसके लिए दूसरी साइड पे नहीं। ये लो, चलो कौन डालो, दोगे तो डालेंगे। चलो ये ऐसे ही डाल देते हैं ना। हाँ कौन होता है। हाँ वो डालेंगे। और ये हमारा बन गया स्वीट, स्वीट टच। टेस्ट करो, कैसे कैसे नहीं कैसा, मजे का। तो ये वाली ठीक है ना, गिरेगी नहीं। अपने मुंह की तरफ लगाओ लाइट, अपने मुंह की तरफ। मुंह किधर है आपका? कितनी गंदी हो गई है यार। ओप्स, ओहो हेल्प ही करो शायद। इधर हो जाओ, मैं इधर से कर लेती हूँ। अभी दोबारा रीटेक। मत करो, तो इसमें क्या है, आराम से गिराना नहीं प्लीज। मैं गिराना नहीं तो उधर ही, मैं गिराना नहीं तो फिर भी डोली जा रही। बस 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 मेरे लिए बस बस। अब अपना ऐड करो शुगर, उठा लो, उठा लो ना उसको पीछे। डालो ये तुम्हें किधर चाहिए? बस 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 ये कब जरा वो है ना, मुझे टिश्यू मिलेगा दे दो ना फिर मिल सी दे। पीछे करो, ये करो ना, ये वाली बस यहाँ, यहाँ नीचे से बस, ये नीचे से करो फिर ज़्यादा नहीं। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। वहाँ पे मौसम इतना कोई हसीन था कि हम लोग को उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। और उसके बाद किचन के ये हालात होते हैं जी, बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है।
तो आप क्या करते हैं कि अगर मैं सो गई तो फिर तो और ज़्यादा गंद पड़ जाएगा सुबह, तो इसलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको वॉश कर लेते हैं। और ये देखें जी, सारा साफ़ सुथरा हो गया किचन, सारे बर्तन जो है वो साइड पे रख दिए हैं, सुबह तक ड्राई हो जाएंगे, सारी चीज़ें इनकी जगह पे रख देंगे। तो चलें जी, आज का दिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मिलती हूँ आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।